Hey guys, it's Piyush. दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होने वाली है यार। बहुत ज्यादा स्टूडेंट को जो है कंटिन्यूसली डाउट आ रहे हैं और इतने ज्यादा कॉल और मैसेजेस मुझे कल से परसों से आ रहे हैं यार, क्योंकि मैंने जो है थोड़ी बहुत D1-2 की वीडियोस बनाना बंद कर दी। उसके बाद जो है कमेंट्स वगैरह आ रहे या फिर पर्सनली मैसेज आ रहे कि दादा तू वीडियो कहाँ नहीं बनवाते आता, म्हणजे तू कंटेंट स्विच के लगा असतस, तो वेगवेगळे कमेंट्स येतात। तो ऐसा कुछ भी नहीं मेरे यारो, ओके। तो मतलब जो है थोड़े बहुत और भी वीडियो चाहिए अपने चैनल पर, क्योंकि थोड़े दिन बाद जो है मतलब मैं एक्टिव रहूँ या फिर ना रहूँ, ओके, मतलब कुछ रीज़न की वजह से इनएक्टिव जा सकता हूँ मैं। तो इसके वजह से जो है मतलब नहीं रुकना चाहिए और चैनल भी चलता रहना चाहिए। इसके लिए जो हो वीडियोस मैंने ऑलरेडी शूट करके रख दिए, एडिट वगैरह जो है बाकी काम मैं कर लूँगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है सीधा मेन बात पर आ जाती कि क्या D1-2 का कल रिजल्ट वगैरह लगेगा या फिर नहीं लगेगा इसके बारे में, ठीक है। तो मेन पॉइंट है कि क्या है ऑफिशियली D1-2 ने बताया, मतलब मेन बात है कि क्या है ऑफिशियली D1-2 ने बताया कि मतलब जो कुछ भी रिजल्ट वगैरह जो अनाउंस होने वाला है या फिर नहीं। तो देखिए अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स रहते हैं या फिर इंस्टाग्राम के ग्रुप्स रहते हैं, ओके, वहाँ से जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमको अब तक जो है मिलती आ रही है, ओके। तो क्यों झूठ बोले, इसके लिए जो हो सकता है कि सच में रिजल्ट वगैरह जो आ सकता है, पर अगर आपने मैसेज वगैरह जो अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया कि टेंटेटिव डेट्स, ओके। तो ऐसा नहीं मतलब कि फिक्सली आपका रिजल्ट जो है आने वाला है और नहीं आने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है कि रिजल्ट आ भी जाए और ना भी आ जाए। तो आप बोलोगे कि भैया अगर आ गया तो किस टाइम पर आएगा, अगर नहीं आए तो मतलब किस रीज़न की वजह से नहीं आएगा, और इंजीनियरिंग के लिए रहने वाला या फिर फार्मेसी के लिए, ठीक है। तो दोनों टाइप्स के स्टूडेंट के लिए बता दूं, मेन पॉइंट है कि मतलब रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर कहाँ पर होगा उसकी तो बाद हम थोड़ी देर में करेंगे, पर पहले जान लेते कि क्या सच में रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि आने वाला रहेगा या फिर नहीं आने वाला रहेगा उस पर ही मतलब हम जो आगे की चीज़ें निर्भर होगी, या फिर अगर नहीं आने वाला रहता है तो मतलब कुछ पॉइंट ही नहीं यार उस बात को डिस्कस करने कहाँ पर आने वाला है, ठीक है। तो एज पर द इन्फॉर्मेशन जो है मतलब आपको मिल रही है अलग अलग ठिकान से कि रिजल्ट जो है बहुत जल्दी लगने वाला है, 12 मार्च को लगने वाला है, 13 मार्च को लगने वाला है, ठीक है। तो मतलब अगर इसके ऊपर क्लियरली मैं बोल दूँ तो हो सकता है कि रिजल्ट आ भी जाए और हो सकता है कि रिजल्ट ना भी आ पाए। आप बोलोगे भाई आपको क्या लगता है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा कौन सी आएगी या फिर नहीं आएगी, तो मेरे ख्याल से तो भी ओके है। मेरा मतलब पर्सनली मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आई डोंट नो कि रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होने में अभी भी टाइम है मेरे यारो, ऐसा मुझे तो भी मतलब अंदर से लग रहा है। और आपको अगर बता होगा कि सारे वीडियोज़ अगर पहले देख रहे होगे आप, तो आपको बताओ कि अपनी प्रोबेबिलिटी जो है ऑलमोस्ट सच्ची निकलती है, ओके। इस बार भी मैं प्रोबेबिलिटी से बोल रहा हूँ कि रिजल्ट जो है आने में अभी थोड़ी देर और भी बची है मेरे यारों, ओके। तो हो सकता है कि 15 तारीख के आसपास जो है आ सकता है, पर जो है 12 तारीख या फिर 11 तारीख या फिर जो मान लो 13 तारीख को आना जो है थोड़ा मुश्किल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है। पर ऐसे मैसेज जो वगैरह बहुत ज़्यादा वायरल्स वगैरह हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, इसके लिए जो है कुछ कह नहीं सकते यार, क्योंकि उनको जो है ज़्यादा नॉलेज रहती है अपने से, ठीक है। तो जो सच है वो है, तो हो सकता है कि उनको अगर अंदर से इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी तो मतलब सच में जो है रिजल्ट वगैरह आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी डाउट करने वाला नहीं, पर उन्होंने जो है टेंटेटिव लिखा, इसके लिए मेरे मन में भी ये डाउट चला गया है कि मतलब अगर टेंटेटिव लिख रहे हैं तो मतलब पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी ने अब तक फिक्स नहीं किया है कि रिजल्ट लगेगा और ना लगेगा, ठीक है। और मतलब सच बात तो है कि अभी तक जो है उनकी साइड वगैरह जो है पूरी तरीके से बने नहीं है। मेरे ख्याल से जो है इस जन्म में अगर बन जाए तो अच्छी बात है, भगवान की कृपा होगी हम पर, ठीक है। पर अगर नहीं बनी तो मतलब कुछ स्टूडेंट की अभी जस्ट इंजीनियरिंग भी खत्म हो जाएगी यार एक दो महीने में, ठीक है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको अगर मतलब साइड वगैरह नहीं रहेगी तो वो रिजल्ट वगैरह कैसे का डाउनलोड करेंगे वगैरह, और बोल रहे कि कुछ कॉलेजेस में हमने जो है प्रोवाइड कर दिए रिजल्ट, और मुझे नहीं पता कि कौन से कॉलेज में मिल रहा है यार। जो भी कॉलेज के स्टूडेंट से मैं पूछ रहा हूँ उनके मन से मतलब उनसे तो यही इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हमारा रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है या फिर लगा ही नहीं है और डिक्लेयर ही नहीं किया है, ठीक है। और कॉलेज में स्टूडेंट चाह रहे तो वो बोल रहे यूनिवर्सिटी ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया रिजल्ट, हमको भेजा नहीं ईमेल पर, तो हम आपको कैसे क्या रिजल्ट दे। पर काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हमको ये भी मतलब सुनने में आ रहा है कि जो है रिजल्ट कॉलेजेस में डिक्लेयर हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने कॉलेजेस ने डिक्लेयर किए कितना नहीं, ठीक है। तो अगर कोई आपके कॉलेज में अगर डिक्लेयर हुआ होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है सच में प्रोवाइड हो जानी चाहिए स्टूडेंट को, ताकि उनको भी लीगल वगैरह लगे, ठीक है। और अगर नहीं भी किया है तो कमेंट में ये भी बोल देना कि हमारा रिजल्ट जो अब तक नहीं लगा है। अभी बात कर लेते कि अगर कल रिजल्ट आ गया बाई चांस तो कितने बजे आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट अपने स्टूडेंट के मन में जो आ चुका है कि रिजल्ट वगैरह तो आएगा, ठीक है। अगर आ भी गया तो कब आएगा, मेरे ख्याल से अगर आ भी गया तो रात को आ जाएगा यार, हो दोपहर में या फिर सुबह सुबह, तो मेरे ख्याल से D1-2 तो काम नहीं करती। और आज तक के रिकॉर्डिंग मतलब जितने भी रिजल्ट अपने लगे ना यार, वो या तो मतलब 12 बजे के बाद लगे या फिर जो शाम को या फिर रात को लगे यार। कई रिजल्ट तो 8, 8:30, 9 बजे, कुछ कुछ स्टूडेंट के डिक्लेयर होते होते 10, 12 भी बज जाते, कई स्टूडेंट की मतलब वेबसाइट डाउन हो जाती है इसके वजह से, जो 1, 2 बजे, 1:30 बजे, 3 बजे भी रिजल्ट लगते हैं। इसके लिए अगर डिक्लेयर हो भी गया तो ये गारंटी कौन लेगा कि सबके डिक्लेयर होने वाले हैं, ओके। पहला सिनेरियो अगर आप मतलब थोड़ा बहुत याद करो या फिर रिकॉल करो तो आपको पता चल जाएगा यार भैया मतलब D1-2 ने तो इतने ही मतलब
अपना तुम बचा दिए मार्केट में, कि उनके रिजल्ट जो है किसी का डिक्लेयर होता है किसी का नहीं होता है। मतलब अगर मेरे फ्रेंड की बात करूँ तो उसके जो है सेप्टेम्बर में उसने रीचेकिंग का फॉर्म डाला था, अब तक उसके ही रिजल्ट का आता पता नहीं है, ठीक है। तो वो बोल रहे कि हम जो है फिर से एक बार मीटिंग लेंगे, पेपर चेकिंग वगैरह जो है रिवॉल्यूशन वगैरह सच में हो चुका है, और मतलब मुझे नहीं पता कितने हद तक उनका हो चुका है या फिर नहीं हो चुका है। अगर हो चुका होगा तो मतलब मीटिंग वगैरह क्यों ले रहे हैं, अगर डिक्लेयर उनको करना है तो मतलब कर देते हैं डायरेक्टली, आप जो है फिर से एक बार मीटिंग लोगे, और मतलब मीटिंग कब लोगे है भी उन्होंने अभी तक फिक्स नहीं बताया कि इस दिन हम मीटिंग लेने वाले, उसके बाद कौन से दिन रिजल्ट जो है डिक्लेयर करने वाले है भी नहीं बताया। पर जब मीटिंग वगैरह हुई थी तब अतुल लोंडे सर या फिर उदय सामंत जी ने जो है साफ साफ कह दिया था उनको कि आपको जो है रिजल्ट वगैरह जो है 17-18 तारीख को मतलब तक जो है लगा ही देना है बच्चों का, क्योंकि फिर से एक बार जो उनका एडमिशन प्रोसेस अभी अगर बात की जाना है यार, कई कई कॉलेजेस के मिनी प्रोजेक्ट भी आ चुके हैं, मिड सेमेस्टर एंड होने में आई है यार, कई की कॉलेजेस ने डिक्लेयर भी कर दिए मिड सेम कब होने वाली है, ओके। दो हो सकता है कि मार्च एंडिंग तक जो है उनकी मिड सेम भी हो जाए, अगर मिड सेम के बाद ये रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर करते हैं तब एडमिशन की प्रोसेस कब चालू करेगी, उनकी पेमेंट प्रोसेस के लिए कितने दिन हो गए, फिर उसके बाद उनके रजिस्ट्रेशन कब करोगे आप, और फिर एडमिशन कब दोगे, सिलेबस कब कवर करोगे, एक्स्ट्रा क्लासेस कब लोगे, और फिर एग्जाम कब लोगे। मतलब मेरे ख्याल से जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन जितने जितने ज़्यादा दिन होते जा रहे उतना बनते जा रहे हैं, पर देखने वाली बात होगी क्या मतलब पॉइंट वगैरह निकालते हैं। पर बात की जाए कि कल रिजल्ट लगेगा या फिर नहीं लगेगा, मेरे मन में तो अभी भी डाउट है, और मुझे नहीं लगता कि मतलब रिजल्ट वगैरह जो है लग सकता है 12 या फिर 13 तारीख को। मेरे ख्याल से जो है 15 तारीख या फिर उसके बाद जो है रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो हो सकता है, ठीक है। पर साइड के चालू होने पर भी डिपेंड करता है, अगर साइड नहीं चालू हुई तो कॉलेजेस में डिक्लेयर होगा, अगर चालू हो गई तो मतलब वेल एंड गुड वेबसाइट पर ही डिक्लेयर वगैरह कर देंगे। तो मतलब सबका डाउट क्लियर करना था कि क्या सच में जो है रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होगा या फिर नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो भी मतलब अभी भी मैं क्लियरली कह रहा हूँ, जो कुछ भी है आपके सामने ही कह देता हूँ कि मेरे ख्याल से तो भी मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होगा, ओके। पर मैं जो कुछ अंतर्यामी नहीं हूँ या फिर जो है D2 से मेरा कुछ डायरेक्टली ऐसा मतलब पूरी बीच के कॉन्टेक्ट नहीं है यार, कि सच में जो है इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, तो मैं बस एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि रिजल्ट जो है मेरे ख्याल से आने में अभी भी थोड़ी देरी है, 15 तारीख के बाद जो है रिजल्ट वगैरह आ सकता है फिर 15 तारीख को, ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब आ भी जाए नहीं भी आ जाए तो देखने वाली बात होगी। कल का दिन जो है हो सकता है कि अगर रिजल्ट वगैरह लग गया तो मतलब लाइव वगैरह आने की कोशिश करेगी यार, और मतलब बातचीत करेगी क्या कुछ इंटरफेस है, मेरे भी रिजल्ट के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर लेंगे, होता है यार मतलब थर्ड ईयर में हो फिलहाल, तो और देखते हैं मतलब क्या कुछ होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, सारे दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए जिनको भी लगता है कल रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, अगर आएगा तो मतलब टाइम वगैरह तो मैंने आपको बता दिया, दोपहर के बाद या फिर रात को जो अच्छा समय होता है रिजल्ट डिक्लेयर करने का, खाना पीना हो जाए सारे स्टूडेंट का और उसके बाद डिक्लेयर करो, मतलब जो है पेट पूजा भी मतलब पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ओके। तो इसी के इंटेंशन के साथ बाप्पा से ब्लेसिंग लेते हुए इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर रिजल्ट आ जाए तो बाप्पा प्लीज़ सबको पास कर देना, अगर नहीं आता है तो मतलब उनको जल्दी लगाने की बुद्धि दे देना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।